हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गपशप की दुनिया में। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूं बहुत सारी गल्फ कंट्री की जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके। तो वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें ताकि कोई वैकेंसी मिस ना हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे पहली वैकेंसी के बारे में। तो यह कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, सडन प्रोजेक्ट रहेगा, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसको चाहिए इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट फीटर, कंड्यूट इलेक्ट्रिकल फीटर, फाइबर ऑप्टिकल सुपरवाइजर, फाइबर ऑप्टिकल टेक्नीशियन, फायर वॉचर, स्टैंड बाई अटेंडेंट, असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर। अगर आपको अभी सेम फील्ड में एक्सपीरियंस और अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना कंप्लीट सीवी एंड डॉक्यूमेंट लेकर मुंबई, चेन्नई, कोचीन, बड़ोदरा में लोकली अवेलेबल है तो एशिया पावर के ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर दे। इसका क्लाइंट इंटरव्यू मुंबई, चेन्नई, बड़ौदा में होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में। यह मस्कत ओमान के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसको चाहिए सिविल असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, मेसन ब्लॉक प्लास्टर, मेसन टाइल्स मार्बल, पेंटर वॉल स्प्रे, प्लम्बर, स्टील फिक्सर। अगर आपके पास भी सेम फील्ड में एक्सपीरियंस और अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना कंप्लीट सीवी एंड डॉक्यूमेंट लेकर मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में लोकली अवेलेबल है तो एशिया पावर के ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर दे। चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में। तो सऊदी अरबिया के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, लॉन्ग टर्म जॉब रहेगा, फ्री रिक्वायरमेंट है। इसको चाहिए एक्सट्रक्शन मशीन ऑपरेटर, असेंबली लाइन ऑपरेटर, स्टैंडिंग मशीन ऑपरेटर, बेंडिंग मशीन ऑपरेटर, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मल्टी वायर ऑपरेटर, सीवी लाइन ऑपरेटर, क्यूसी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस। अगर आपको भी सेम फील्ड में एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना कंप्लीट सीवी एंड डॉक्यूमेंट लेकर मुंबई में लोकली अवेलेबल है तो बीटा कंसल्टेंसी के ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर दे और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। इसका क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है मुंबई में 4 सितंबर को। चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में। तो यह वैकेंसी आई हुई है कुवैत के लिए, फ्री रिक्वायरमेंट है, सडन प्रोजेक्ट रहेगा। इसको चाहिए पाइपिंग सुपरवाइजर, पाइप फैब्रिकेटर, पाइप फिटर, रिगर, रिगिंग फोरमैन, वेल्डर, टिगनर, क्यूसी इंस्पेक्टर, एयरलेस स्प्रे पेंटर। अगर आप भी सेम फील्ड में एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना सीवी एंड डॉक्यूमेंट लेकर मुंबई, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली में लोकली अवेलेबल है तो एशिया पावर के ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर दे। इसका क्लाइंट इंटरव्यू 2 सितंबर को होगा दिल्ली में, 6 सितंबर को होगा मुंबई में। चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में। ये सऊदी अरबिया के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। इसको चाहिए मर्चेंडाइजर कम वेयरहाउस वर्कर। अगर आप भी इंटरशक्ति जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना सीवी दिए गए मेल आई डी पे सेंड करके अप्लाई कर दे और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। इसका क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है मुंबई में 4 सितंबर को। चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में। यह यूएई के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, फ्री रिक्वायरमेंट है, एनपीसीसी कंपनी है। इसको चाहिए प्रोजेक्ट कंट्रोलर, पेंटिंग एंड ब्लास्टिंग, सुपरिटेंडेंट फैब्रिकेशन, पाइपिंग, वेल्डिंग, रिगिंग, स्काफ होल्डिंग, जनरल फोरमैन फैब्रिकेशन, पाइपिंग, वेल्डिंग, रिगिंग, स्काफ होल्डिंग, पेंटिंग, ब्लास्टिंग, फोरमैन फैब्रिकेशन, पाइपिंग, वेल्डिंग, रिगिंग, स्काफ होल्डिंग, पेंटिंग, ब्लास्टिंग, चार्ज एंड फैब्रिकेशन, पाइपिंग, वेल्डिंग, रिगिंग, स्काफ होल्डिंग, पेंटिंग, ब्लास्टिंग। ऑफिसर प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है लीड सीनियर ऑपरेशन इंजीनियर, सीनियर फील्ड इंजीनियर, जियोफिजिसिस्ट एंड सीनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर, सुपरवाइजर ग्राउटिंग, हाइड्रोलिक हैमर, ड्रिलिंग, स्टिंगर, वेल्डिंग, पेंटिंग। अगर आपके पास फाइबर का एक्सपीरियंस है सेम फील्ड में और आपका एज मैक्सिमम 50 है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपना अपडेटेड सीवी, सर्टिफिकेट एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट कॉपी, पासपोर्ट कॉपी दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड करके अप्लाई कर दे और जानकारी के लिए इंडमान ऑफिस से संपर्क कर ले। इसका क्लाइंट इंटरव्यू होगा मुंबई में सितंबर के दूसरे वीक में। चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में। तो ओमान के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसको चाहिए सीएनसी लेथ मशीन ऑपरेटर, वेल्डर, 6G फैब्रिकेटर्स। अगर आपको अभी सेम फील्ड में एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना रिज्यूम में दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड करके अप्लाई कर दे। चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में। तो दुबई के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, अल अजीजी डेवलपमेंट कंपनी है। इसको चाहिए एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, डक्टमैन, पाइप फिटर, इंसुलेटर, प्लम्बर, वेल्डर, एसी चार्जर, इलेक्ट्रिकल फोरमैन। अगर आप भी इंटरशक्ति जॉब के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना सीवी एंड डॉक्यूमेंट लेकर जमशेदपुर में लोकली अवेलेबल है तो रोलेक ट्रेवल के ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर दे और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। इसका क्लाइंट इंटरव्यू होगा 2 सितंबर को जमशेदपुर में। चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ।
दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, तो बहरेन के लिए रिक्वायरमेंट है, वी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नासिर अलजरी कंपनी के लिए इसको चाहिए स्काफ फोल्डर 50 लोग, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन 40 लोग, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन 70 लोग, पाइप फिटर 70 लोग। अगर आपके पास भी सैंपल में एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना सीवी एंड डॉक्यूमेंट दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करके अप्लाई कर दें और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले। चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी बारे में, तो सऊदी अरबिया के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहेगा। इसको चाहिए एमपी एचवीएसी जनरल कमिश्निंग फोरमैन, जनरल कमिश्निंग फोरमैन इलेक्ट्रिकल, एमपी एचवीएसी सीनियर कमिश्निंग टेक्नीशियन, सीनियर कमिश्निंग टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, एमपी एचवीएसी कमिश्निंग टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल कमिश्निंग टेक्नीशियंस। अगर आपको अभी सेम फील्ड में एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना सीवी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करके अप्लाई कर दे। चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, तो बहरेन के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, इसको चाहिए टाइल मेसन 20 लोग, ब्लॉक प्लास्टर मेसन 10 लोग, शटरिंग कारपेंटर 20 लोग, स्टील फिक्सर 20 लोग, कंस्ट्रक्शन लेबर 20 लोग। अगर आपको अभी सैंपल में एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना सीवी एंड डॉक्यूमेंट दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करके अप्लाई कर दें और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले। चलिए बढ़ते हैं अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, तो पैन इंडिया के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रहेगा। इसको चाहिए सिविल इंजीनियर, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर्स। अगर आपके पास भी सेम फील्ड में एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना सीवी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करके अप्लाई कर दे। चले बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, बसरा इराक के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, इसको चाहिए इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट फिटर, मेसन प्लास्टर, पाइप इंसुलेटर, सैंड ब्लास्टर, जीआरई लेमिनेटर, मैन लिफ्ट ऑपरेटर, लिफ्टिंग इंजीनियर, एचवीएसी सुपरवाइजर, एचवीएसी फोरमैन, इंसुलेशन सुपरवाइजर, इंसुलेशन फोरमैन, स्पूलजेन कैड मैन, क्लेडिंग फोरमैन, स्टील स्ट्रक्चर फोरमैन। अगर आप भी इंटरेस्ट इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना सीवी सर्टिफिकेट पासपोर्ट कॉपी दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करके अप्लाई कर दे और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले। बात कर ले ऑफिस के बारे में, तो यह अंबे कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस है, अच्छी ऑफिस है। चलिए बढ़ते हैं अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, तो नाइजीरिया के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, कमिश्निंग ऑपरेशन और मेंटेनेंस वर्क रहेगा। क्वालिटी डिवीजन के लिए क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, लैब टेक्नीशियन, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। कमिश्निंग डिवीजन के लिए चाहिए केमिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। ऑपरेशन के लिए चाहिए फील्ड ऑपरेटर, मेंटेनेंस के लिए चाहिए इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। सेफ्टी डिवीजन के लिए चाहिए सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर सेफ्टी। अगर आपको भी सेम फील्ड में एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना सीवी एंड सर्टिफिकेट कॉपी दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करके अप्लाई कर दे और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले। चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, तो सऊदी अरबिया के रिक्वायरमेंट आई हुई है, लीडिंग ऑयल एंड गैस कंपनी है। इसको चाहिए मटेरियल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, एमओएम इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, प्रोजेक्ट क्वालिटी लीडर, फेब्रेशन टेक्नीशियन, क्रोजन इंजीनियर, रोटरिंग इक्विपमेंट क्यूएक्यूसी, मैकेनिकल एंड रिलायबिलिटी इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर, डेटा साइंस सुपरवाइजर, ऑपरेशन ऑयल एंड गैस एंड कंप्रेसर इंजीनियर, एडवांस प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियर, मैकेनिकल सर्टिफाइड एपीआई इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर। अगर आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस है सैंपल में, तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपना अपडेटेड सीवी, पासपोर्ट कॉपी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं सब्जेक्ट लाइन मेंशन करके दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करके अप्लाई कर दे और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले। इसका क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों 3 सितंबर को चेन्नई में दिए गए एड्रेस पे। चलिए बढ़ते हैं अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, तो सऊदी अरबिया के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, इसको चाहिए इंजीनियर 1 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इंजीनियर 1 पाइपलाइन, इंजीनियर 3 आईटी, इंजीनियर 3 सिक्योरिटी सिस्टम, इंजीनियर 3 सिविल मटेरियल एडवाइजर, मैकेनिकल इंजीनियर पाइपिंग, मैकेनिकल इंजीनियर पाइपिंग, साइट सुपरिंटेंडेंट, सीनियर इंस्पेक्टर 1, सीनियर इंस्पेक्टर। अगर आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस है सैंपल में, तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपना अपडेटेड सीवी, पासपोर्ट कॉपी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं सब्जेक्ट लाइन मेंशन करके दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करके अप्लाई कर दे और जानकारी के लिए दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले। इसका क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों 3 सितंबर को चेन्नई में दिया गया एड्रेस पे। चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, तो सऊदी अरबिया के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसको चाहिए इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियर, इंजीनियर 1 रोटेटिंग इक्विपमेंट इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, इंजीनियर 1 इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियर, सीनियर मशीनिस्ट टेक्नीशियन, लैब साइंटिस्ट, इंजीनियर 1 पाइपिंग इंजीनियर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कोस्ट इंजीनियर, पी एंड पी एम एनालिस्ट, शेड्यूलिंग इंजीनियर, लैब साइंटिस्ट, इंजीनियर 1 मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, मटेरियल एडवाइजर, मैकेनिकल इंस्पेक्टर। अगर आपका
एंड फिल्म एक्सपीरियंस है 7 ईयर का, तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपना अपडेटेड सीवी, पासपोर्ट कॉपी, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और किस पोजीशन के अप्लाई करें सब्जेक्ट लाइन मेंशन करके दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करके अप्लाई कर दें और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले। चले बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, नाइजीरिया के लिए रिक्वायरमेंट आई वी ऑयल एंड गैस O&M प्रोजेक्ट रहेगा। इसको चाहिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंजीनियर। अगर आपके पास Grade 3 डिग्री है और 9 ईयर का एक्सपीरियंस है सेम फील्ड में, तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपना अपडेटेड रिज्यूमे, पासपोर्ट कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करके अप्लाई कर दें और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले। तो दोस्तों आज ये इतना वैकेंसी, फिर मिलेंगे अगला वैकेंसी के वीडियो के साथ। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। आप अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता दें। अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली हम इस तरह का वीडियो लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।